नमस्कार, मैं राघविंद पाल एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूँ। आज बारी है क्लास टेंथ के चैप्टर 7 का पार्ट 3, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसका नाम है टी फ्रॉम आसाम। आसाम का जैसे नाम आता है तो मन में चाय के बागान आ जाते हैं, बड़े बड़े बगीचे आ जाते हैं, शानदार। असम के जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। प्रंजोल एक जो लड़का था वो असम का था, यंगस्टर यानी कि नया लड़का था, असम का था। और उसका ही एक दोस्त था राजवीर, जो उसका क्लासमेट था और दोनों पढ़ते थे एक साथ एक स्कूल में। अब क्या होता है, जब हम दोस्ती कर लेते हैं तो एक साथ हो सकता है उसके गांव जाने का, उसके घर जाने का, दोस्त के घर जाने का, दोस्त के गांव जाने का मन करे। तो राजवीर का मन करता था कि क्यों ना मैं असम घूम के आऊँ। तो एक बार राजवीर ने प्रांजल से बोला कि प्रांजल यार तुम्हारे घर पर चलते हैं। प्रांजल ने कहा बिल्कुल। अब प्रांजल के पिताजी मैनेजर थे, वो भी कहाँ पर, टी गार्डन में, है ना, वो भी असम में। अब असम में टी गार्डन के मैनेजर के यहाँ जब जाएंगे, या वैसे भी उधर तो चाय ही चाय हर जगह होती है, तो और शानदार हो जाएगा। तो राजवीर जो बहुत इंटेलिजेंट लड़का था, उसने जाने से पहले पूरी तैयारी कर रखी थी कि मैं वहाँ के बारे में स्टडी करूँ, वहाँ के बारे में जानूँ, असम के बारे में जानूँ, असम के चाय के बारे में जानूँ, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, बहुत कुछ। दोनों तैयार हो गए, बैठ गए एक ट्रेन में। ट्रेन में बैठे, आवाज़ आ रही, चाय गरम, चाय गरम, गरम चाय, गरम चाय। एक वेंडर, जो आपने देखे ही होंगे स्टेशन पे बहुत सारे वेंडर होते हैं, एक वेंडर आवाज़ लगा रहा हाई पिच यानी बहुत ज़ोर से। तो वो उनकी विंडो के पास आया और बोला चाय लोगे साहब, गिव अस 2 कप्स, प्रांजल सेट। प्रांजल बोला हाँ हाँ 2 कप दे दो। तो उन्होंने चाय पीना शुरू कर दिया। इस कंपार्टमेंट में यानी कि इस डब्बे में ज़्यादातर लोग चाय पी रहे थे। और आपको पता है, अगर चाय के बारे में बात चल रही है तो आपको बता दिया जाए कि इस दुनिया में 80 करोड़ से ज़्यादा लोग एक दिन में चाय पी लेते हैं। तो आप समझ सकते हो कितनी चाय बेची जाती है, कितनी चाय पी जाती है। एक्सक्लेम प्रांजल। प्रांजल बोला अच्छा इतने, टी रियली इज़ वेरी पॉपुलर। वास्तव में टी तो बहुत बड़ा पॉपुलर है। तो ये जो 80 करोड़ वाली बात थी वो राजवीर ने बताई थी। और दोनों आराम से कंपार्टमेंट में डिब्बे में बैठे हुए थे। राजवीर जो पहले से ही चाय के बारे में स्टडी करके गया था, लेकिन प्रांजल तो उसका घर था, उसको तो मतलब एक नॉर्मल चीज़ें लग रही थी, बट राजवीर के लिए चाय के बागान, चाय के बगीचे, चाय और असम बिल्कुल नया था। अब ट्रेन चलने लगी, द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन, यानी कि ट्रेन चलने लगी। प्रांजल बरीड हिज नोज इन हिज डिटेक्टिव बुक अगेन। प्रांजल ने अपनी पूरा ध्यान अपनी डिटेक्टिव स्टोरी यानी कि किताब पढ़ने पर लगा दिया। सफ़र में कोई किताबें पढ़ता है, कोई लीड से गाने सुनता है, कोई बाहर की ओर देखता है, सीनरी को देखता है, सबका अलग अलग शौक होता है। राजवीर की बात करें तो राजवीर भी डिटेक्टिव बुक पढ़ना पसंद करता था, लेकिन इस समय तो वो बाहर देख रहा था। क्यों? क्योंकि हर जगह बाहर ग्रीन ही ग्रीन था, राजवीर ने ऐसा कभी देखा नहीं था, तो उसके लिए तो बहुत अचंभित वाली बात थी। तो वो क्या कर रहा था, बाहर देख रहा था। और बाहर तो सिर्फ उसे असम में सिर्फ और सिर्फ टी बुशेस यानी कि चाय के पेड़ ही पेड़ नज़र आ रहे थे। ये वास्तव में बहुत शानदार नज़ारा था। और अगर देखा जाए तो वहाँ पे सी ऑफ टी बुशेस यानी कि बहुत सारे ऐसे पेड़ थे, ऐसा लग रहा था जैसे समुद्र हो, चाय का पूरा समुद्र हो। तो जहाँ तक उसकी आँखें जा रही थी वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ चाय ही नज़र आ रही थी। तो छोटे छोटे जो प्लांट्स हैं वो एक अलग ही रूप में वहाँ पर थे। आगे बढ़ते हैं, मतलब चाय ही चाय नज़र आ रही, हर जगह चाय ही चाय आ रही। उसने देखा कुछ एक बिल्डिंग उसको नज़र आई दूरी पे, तो उस बिल्डिंग में एक अगली बिल्डिंग थी जिसमें स्मोक उड़ रहा था, ब्लोइंग आउट द टॉल चिमनी, बड़ी बड़ी चिमनी लगी हुई थी, यानी कि रास्ते का जो नज़ारा है वो बताते हुए राजवीर चला जा रहा है। तभी एक बड़ा सा टी गार्डन उसे दिखाई दिया। राजवीर जोर से चिल्लाया, ओह देखो प्रांजल क्या टी गार्डन है। प्रांजल जो शुरू से बचपन से ही चाय के बागानों में ही पला बड़ा था, उसने ज़्यादा उसके साथ मतलब एक्साइटमेंट शेयर नहीं की, वो ज़्यादा एक्साइटेड नहीं था क्योंकि शुरू से ही वो चाय देखता आ रहा था। ओ दिस इज़ द कंट्री नाउ ही सैड। राजवीर बोला अच्छा ये वही देश आ चुका है, मतलब वही जगह आ चुकी है जहाँ पर टी है। असम हैज़ द लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्लांटेशन इन द वर्ल्ड। अगर चाय की बात की जाए तो असम में पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा चाय बेची जाती है। You will see enough gardens to last you a lifetime. यहाँ पर इतने सारे गार्डन हैं जितनी आपकी आँखें थक जाएंगी, लेकिन गार्डन ख़त्म नहीं होंगे। I have been reading as much as I could about tea. राजवीर बोला मैंने बहुत सारी स्टडी की है इसके बारे में। अच्छा किसी को ये नहीं पता होगा कि ये चाय की उत्पत्ति कहाँ से हुई, किस लेजेंड्स के द्वारा हुई, मतलब कौन ऐसे महान लोग थे जिनके द्वारा चाय की उत्पत्ति हुई। What legends?
तो भैया प्रांजुल बोला, क्या बात कर रहे हो लेजेंड्स, मतलब मैंने तो आज तक नहीं सुना। अरे तो सुनो ना, वेल देयर इज द वन अबाउट द चाइनीज एम्परर। मैं सुनाता हूँ एक कहानी एक चाइनीज एम्परर की, चाइनीज के शासक की, चाइना के राजा की। हु ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट। वो हमेशा बॉयल करता था वाटर को, पानी को पीता था। कब? बॉयल करके, यानी कि उसको उबाल के, नहीं तो पीता नहीं था। सही, कई लोगों की अलग अलग आदत होती है। अब उस समय मतलब ज़्यादा कोई एडवांस तो था नहीं कि गैस वगैरह चलती हो, चूल्हे पे उबालते थे। वन डे अ फ्यू लीव्स ऑफ ट्विग्स बर्निंग अंडर द पॉट फेल इनटू द वाटर गिविंग इट्स अ डिलीशियस फ्लेवर। एक दिन अपना चूल्हा जला रहा था, तो जलाने की लकड़ी जलाने के लिए कुछ सूखे पत्ते को जरूरत पड़ती है, तो उसने चाय के कुछ पत्तियाँ मतलब बिना उसके, मतलब उसे पता नहीं था कि इतनी ये टेस्टी बन सकती है, बिना उसके उसने चूल्हे में डाल दी। वो हवा के उड़ के वो उस पानी में, उस बॉयल्ड पानी में गिर गई और एक नया ही फ्लेवर बन गया। उसने कहा, वाह क्या फ्लेवर है। इट इज सेड दे वर टी लीव्स, और ऐसा कहा जाता है कि वो पत्तियाँ टी लीव्स यानी कि चाय की थी। टेल मी अनदर, स्कॉट प्रांजल। प्रांजल बोला, यार दूसरा तो बताओ। वी हैव एन इंडियन लीजेंड टू। तो बोला, अरे इंडिया की भी कहानी है। अच्छा, इंडिया की क्या कहानी है, मुझे नहीं पता। बोधिधर्मा, क्या नाम सुना है आपने बोधिधर्मा का? एंशियंट बुद्धिस्ट एस्केटिक, यानी कि एक सन्यासी थे बोधिधर्मा, और बहुत नाम है, और खासकर वे कराटे वगैरह कुंफू वुंफू कर, मेरे को जानकारी ज़्यादा नहीं है, उसको भी उन्होंने डेवलप किया था। वो भी बड़े बहुत ही महान थे, सन्यासी थे। तो वो क्या करते थे, सन्यास जब मतलब मेडिटेशन करते थे तो उनकी पलकें उनको बड़ा टेंशन देती थी, मतलब मेडिटेशन नहीं करने देती थी। अब ऐसे महान लोग कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। उन्होंने ली अपनी पलकें काट दी, कट ऑफ हिज आईलेट्स, यानी अपने पलकें काट दी, बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशन, क्योंकि उनको लगता था कि मेडिटेशन के द्वारा उनको दौरान उनको नींद आती है, तो इसलिए उन्होंने पलकें ही काट दी। 10 टी प्लांट्स ग्रू आउट ऑफ द आईलेट्स। अब जैसे उन्होंने पलकें काट के फेंकी, तो उन पलकों से 10 प्लांट्स, वो भी किसके, चाय के बन गए। द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स व्हेन पुट इन हॉट वाटर एंड ड्रंक पेन स्लीप। और हुआ क्या चमत्कार, कि जब इन पत्तियों को हॉट वाटर में डाला गया तो नींद गायब हो गई। और आज भी आप देखते होंगे कि चाय के पीने से नींद गायब हो जाती है। रही बात चाय की, तो चाय जो है वो चाइना में इसका स्टार्टिंग हुई, जैसे 2700 BC पहले की अगर हम बात करें तो ऐसा बताया जाता है कि चाइना में इसकी स्टार्टिंग हुई। और तो छोड़ो, टी, चाय, चीनी, ये सब चाइनीज़ नेम है, मतलब चाइना के नेम हैं। तो हम कह सकते हैं कि चाइना से स्टार्टिंग हुई, लेकिन 16th century में ये यूरोप में भी आई, लेकिन ये मेडिसिन के रूप में, यानी दवाई के रूप में ली जाती थी, ना कि बेवरेज के रूप में। आज की अगर हम बात करें तो बेवरेज के रूप में ली जाती है ना। तो इस तरह से वो बातें करते हुए चले जा रहे थे और मरियानी जंक्शन पे वो पहुँचे। तो जैसे ही वो वहाँ पे पहुँचे, तो बॉयज़ जो थे, लड़के जो थे, उन्होंने अपना लगेज कलेक्ट किया है ना, और वो आगे बढ़ गए। प्रांजुल्स पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर देम। प्रांजुल के जो पेरेंट्स थे वो उनका इंतजार कर रहे थे। सून दे वर ड्राइविंग टुवर्ड्स दखियाबारी। अब वो दखियाबारी की तरफ चले गए, क्योंकि वहीं पर तो टी गार्डन था, और वो जो टी गार्डन था वो प्रांजुल के पापा संभाल रहे थे। वो लोग वहाँ पे पहुँचे तो उन्होंने देखा चारों तरफ टी स्टेट, यानी कि चाय ही चाय है। ऑन बोथ साइड द ग्रेवल रोड वर एकड़ अपॉन एकड़ ऑफ टी बुशेस। चारों तरफ देखा जाए तो टी बुशेस यानी कि झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ हैं, वो भी चाय के पेड़ ही पेड़ हैं। और सभी लोग एकदम, सभी जो हैं वो सेम हाइट के हैं सभी पेड़। ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर्स, वहाँ पे कुछ प्लकर्स यानी कि कुछ मजदूर हैं जो टी को तोड़ने का काम कर रहे हैं, चाय की पत्तियों को तोड़ने का काम कर रहे हैं। विद बम्बू बास्केट्स पीछे वो लटका रखे हैं, एक बांस की टोकरी अपने अपने बैग से यानी कि अपने अपनी पीठ पर। वो प्लास्टिक के एप्रॉन्स भी लगाए हुए हैं जिससे कि गंदगी ना हो। एप्रॉन्स आप जानते हो जो किचन में यूज किया जाता है, जिससे खाना की गंदगी नहीं होती है। वर प्लकिंग द न्यूली स्प्राउटेड लीव्स, और वहाँ पर न्यूली यानी कि नई स्प्राउटेड जो लीव्स थी वो तोड़ रहे थे। प्रांजुल्स फादर स्लोड डाउन टू अलाउ अ ट्रैक्टर। प्रांजुल के पापा ने एक ट्रैक्टर को अलाउ कर, मतलब अपने कार को थोड़ा सा स्लो कर लिया, जिससे कि एक ट्रैक्टर चले जाए जो टी लीव्स को निकाल रहा था, वहाँ से निकल रहा था। क्या लिए हुए, चाय की पत्तियों को लेके। तो चाय का तो काम होता ही है, तो चाय की पत्तियाँ तो इधर उधर जाएंगी जाएंगी। दिस इज द सेकेंड फ्लश और स्प्राउटिंग पीरियड, एजेंट इट मिस्टर बरुआ। राजवीर ने पूछ ही लिया कि अंकल, मतलब मिस्टर जो है वो एक सम्मानी शब्द है। बोला, अंकल क्या ये सेकेंड टाइम है जब ये स्प्राउटिंग कर रही हैं, यानी कि पत्तियाँ उग रही हैं। इट लास्ट फ्रॉम मे टू जुलाई एंड ईट्स द बेस्ट, और ये मे से लेके जुलाई तक चलेगी। यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग, प्रांजुल फादर सेड इन सरप्राइज। प्रांजुल के पापा बोले, अरे वाह, तुम्हें तो यार सब कुछ पता है, तुम तो बिल्कुल होमवर्क करके आए हो इसके ऊपर।
यस मिस्टर बरुआ, राजवीर एडमिटेड। तो वो राजवीर बोला, हाँ बिल्कुल, बट आई होप टू लर्न मच मोर वाइल आई एम हेयर, लेकिन मैं यहाँ पर प्रैक्टिकली ज़्यादा कुछ सीख रहा हूँ। तो इस तरह से यहाँ पर राजवीर और प्रांजल की एक कहानी हमें बताती है कि असम कितना शानदार प्लेस है जहाँ पर चाय ही चाय हर जगह होती है। तो इसी के साथ मैं राघवेंद्र पाल विदा ले रहा हूँ। देखिए, मैं एक एक चैप्टर, एक एक पोएम सब कुछ डाल रहा हूँ, बस आपसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सको तो बहुत ही अच्छा है, अगर नहीं किया तो दूसरों को भी बताइए जो क्लास टेंथ में है, क्लास ट्वेल्थ में है, उनको बताइए, वो देखो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो उन्हें फ़ायदा होगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मेरे को मोटिवेशन मिलेगा कि लोग जुड़ते चले जा रहे हैं और मैं मन से पढ़ाऊँगा। चलिए, मैं राघवेंद्र पाल विदा लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।